हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी और अपना फोटोशॉप सेटअप कर लिया होगा। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हमारे फोटोशॉप में, जहाँ पे हम कुछ एडिटिंग करेंगे। सो मैंने यहाँ पे दो फोटोज निकाल लिए, यहाँ पे वन है कैपचिनो वाली और सेकंड है मार्केट टूल वाली, जिसको हम आज एडिट करेंगे। सो सिंपल सा अपना फोटोशॉप खोल लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में अपने लास्ट वाली वीडियो के हिसाब से आपने अपना फोटोशॉप सेटअप कर ही लिया होगा। सो अब मुझे इसमें यहाँ पे दो फाइलें खोलनी है, तो सिंपल सा दो तरीके हैं इसमें। तो मैं फाइल में आके, ओपन में आके यहाँ से फाइलें चूज़ करके ओपन कर सकता हूँ, बट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, तो ड्रैग एंड ड्रॉप दूसरा ऑप्शन है। तो मुझे मार्की टूल और ये कैपेचिनो वाली चाहिए, तो सिंपल सा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव और यहाँ पे फोटोशॉप में ले गया और सिंपल से ले जाके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, मेरी दो पिक्स आ गई, एक ये स्ट्रॉम वाली और दूसरी ये कैपेचिनो वाली। मुझे इसको जूम करने के लिए कमांड यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस। ठीक है, ये हो गया। नाउ सेम थिंग मार्केट। अब मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ, इसे चाय के कप में मैं ये पूरी स्ट्रॉम को प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा मैं स्ट्रॉम पे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा फोटो कर लेता हूँ। ठीक, अब मुझे यहाँ पे टूल उठाना, तो सीधा मूव टूल के नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल मार्की टूल या फिर एलिप्टिकल टूल, तो यहाँ पे आपको आके राइट क्लिक दबाना अपना माउस का और यहाँ पे आपको चूज करना है एलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है, यहाँ पे आपने एलिप्टिकल मार्की टूल चूज कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कर दिया है, बट ये एकदम प्रॉपर सर्कल नहीं है, आप जैसे देख ही सकते हो, यहाँ से चौड़ा हो गया और यहाँ से छोटा हो गया। सो इसको हटा देंगे, हम कंट्रोल जी दबा देंगे। एक पॉपुलर सर्कल बनाने के लिए हमको शिफ्ट दबा के सर्कल बनाना पड़ेगा, तो आपको शिफ्ट प्रेस कर दीजिए और सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, हाँ ये एकदम परफेक्ट बन गया। मुझे ये आई चाहिए अपने फोटो में, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा और ये जब आपका परफेक्ट प्लेस हो जाए, तो फिर आपको सिंपल से जाना है एडिट में और कॉपी कर लेना। आप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सी या फिर यहाँ पे आके आप कॉपी दबा सकते हैं। तो मैंने कॉपी दबा दिया है। कॉपी दबाने के बाद आपको अपनी कैपेचिनो वाले पे आ जाना है, यहाँ पे आपके आप आके वही सेम टू सेम एडिट करके यहाँ पे पेस्ट भी दबा सकते हैं या फिर कंट्रोल वी कमांड्स करके प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया है। अब आपको यहाँ पे लेना मूव टूल और अपने चाय के मग के पास ले जाके एकदम प्लेस कर देना है। ठीक है, बट ये तो हमारे कप से बड़ा है, तो हम इसको रिसाइज करेंगे। तो सिंपल सा फिर से आपको एडिट में चल जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे भी आपको शिफ्ट का यूज़ करना है, वरना आपकी जो फोटो है उसका लेंथ एंड ब्रेथ बिगड़ जाएगी। तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इसको रिसाइज करना है कप के साइज़ के हिसाब से। ठीक है, ये ठीक है, लेफ्ट से करते हैं थोड़ा, टॉप से, बॉटम से, ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर। देखिए एकदम परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा और जूम करके अपन थोड़ी डिटेल्स कर लेते हैं, तो आपको दबाना कंट्रोल और प्लस जिससे जूम होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ गया है। तो सिंपल से यहाँ पे जो दिख रहा है उसको उस पर क्लिक कर देना है। ओके, नाउ कंट्रोल माइनस दबा के आपका जूम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी से अपना स्ट्रॉम जो चाहे यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आपको फोटो सेव कैसे करनी है, तो आपको सिंपल सा फाइल पे आना है, यहाँ पे आपको सेवेज का ऑप्शन दिखा, आपको सेवेज दबाना है, फिर क्लिक करना सेव ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी आपको फाइल का नाम देना, मैं दे देता हूँ कप 01। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेविज टाइप आपको फोटो सेव करनी है, ना कि इसको लेयर्स में सेव करना है। तो आप फोटो सेव करनी है तो आपको जेपेक पे जाना पड़ेगा और जेपेक फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जेपेक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है कप 01 नाम की फाइल से और यहाँ पे सेव कर देना है। ये आपकी सेम टू सेम यही सेटिंग होनी चाहिए, अगर आपकी नहीं है तो प्लीज़ आप देख के यहाँ पे कर लीजिए। क्वालिटी मैंने 8 पे सेट करके गई, प्रोग्रेसिव पे सिलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे आपको ओके दबाते हैं, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो सेव हो चुकी होगी। अब मैं जाके खोल के देखता हूँ
ये मेरी सेव हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से हमने ये जो स्टॉर्म है इसको प्लेस कर दिया। अगर आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।